स्वागत है फार्म अदर जर्नलिस्ट में। मैं रोशन कुमार आज मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड में उपस्थित है। नमस्कार किसान बंधु, मैं राम नंदन प्रसाद, प्रबंध निदेशक बेजा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के बेजा फार्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं 2002 में यहां पे आया शिक्षा ग्रहण करने के बाद। उस समय मैंने देखा कि किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है, जिसमें मुझे उस समय शुरू में पिताजी के साथ तालमेल करने में परेशानी हो रही थी, क्योंकि हर पिता चाहता है, किसान पिता चाहता है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करे, अच्छा नौकरी करे। लेकिन मेरी शुरू से ही रुचि खेती और पशुपालन में थी, इसलिए मैंने 2002 से पशुपालन और खेती का कार्य शुरू किया। उसी में शुरू करते हुए शुरू में मैंने HF गाय का पालन शुरू किया, लेकिन 2010 में मुझे जानकारी मिली और मैंने अध्ययन किया तो पाया कि HF गाय के दूध और उसके प्रोडक्ट जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक है। उसी समय मैंने देसी गाय पालन की ओर अग्रसर हुआ और 2011 में मैंने गन्नीपुर बेझा कृषक क्लब का निर्माण किया, जिसमें बहुत सारे किसान जुड़े हुए हैं। और उसी समूह की सफलता को देखते हुए मुझे आत्मा और कृषि विभाग के द्वारा कई जगह प्रशिक्षण में भेजा गया, जिससे मैं प्रेरित होकर के 2020 में बेझा फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का निर्माण किया, जिसमें फिलहाल अभी 300 किसान जुड़े हुए हैं। इसी बीच मुझे, जैसे सभी जानते हैं कि कहते हैं कि पशुपालन में घाटा होता है, दूध बेचने से कोई मुनाफा नहीं होता है, तो इसी बीच मैंने मार्केट लीड एक्सटेंशन पे ट्रेनिंग किया और गाय के प्रोडक्ट से, गाय के दूध के अलावे गोबर और गोमूत्र से कैसे वैल्यू एडिशन करके हम अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं, इस चीज़ को लेकर के मैंने काम करना शुरू किया। और पिछले 2 वर्षों से मैं गोबर, गोमूत्र और जो गाय का पंचगव्य होता है उससे मैं उत्पादन प्राप्त कर रहा हूँ, उसका प्रोडक्शन कर रहा हूँ। जैसा कि अभी सामने आप देख रहे हैं कि हमारे गांव की महिलाएं भी यहाँ पे दीप बना रही है, उपला है, गणेश जी की मूर्ति है, और इस तरह ग्रामीण महिला भी कार्य करके अपने जीविकोपार्जन में सहयोग कर रही है अपने परिवार को, और महिला सशक्तिकरण को हम बढ़ावा दे रहे हैं। इस तरह से अभी बहुत सारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, जैसा कि दूध के अलावे हम लोग दिया, जीवामृत, घन जीवामृत, बर्मी कंपोस्ट और इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अंतर्गत फलदार वृक्ष और फसल का उत्पादन कर रहा हूँ, जिससे बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। और जब प्रकृति अनुकूल खेती हो रही है, रासायनिक मुक्त मैं खेती करता हूँ, और सभी किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि देसी गाय का पालन करें और दूध के साथ साथ उसका जो अन्य उत्पाद है, वेस्ट से बेस्ट कैसे प्राप्त हो, जो हम वेस्ट समझ। मैंने इस कार्य को शुरू किया तो उपला का तो डिमांड था, जैसा कि अभी सभी लोग उपला बनाना छोड़ चुके थे, लेकिन जब मैंने दीपक बनाना शुरू किया तो मन में थोड़ी सी शंका थी कि इसको लेकर के मार्केटिंग होगी या नहीं होगी। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 22 जनवरी को जो राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा है राम श्री राम जी का, उसमें 5100 दिया का ऑर्डर आया है, और फिलहाल एक जगह से और 2000 दिया का ऑर्डर आया है, जिसको मैं अभी मौसम के कारण, जो अभी ठंडा का मौसम है, इसमें उत्पादन नहीं हो रहा है, इस कारण से मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो मैं अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जो फर्स्ट टाइम का जो दिया है वो राम जन्मभूमि में अयोध्या जा रहा है। ठीक, करना चाहते हैं तो आपके लिए वीडियो खास मददगार साबित होगा। अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी तक अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल के सब्सक्राइब करें और सभी दोस्तों के पास भेजना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।